हाय गाइस, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस हैं वो पीक पे पहुंच चुके हैं। बट आपको ये चीज सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी कि अभी यहाँ पर जो कोविड के लिए एक रिस्पांस फोर्स बनाया गया है, उनका कहना ये है कि इंडिया के अंदर अभी कोविड की जो लहर चल रही है, जो सेकेंड वेव चल रही है, उसका पीक आना अभी भी बाकी है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर इंडिया के अंदर 15 डेज का लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो ये चीजें और भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच सकती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम फिर आप हमें ये क्यों बता रही हैं, ऐसे क्या हो जाएगा। एक्चुअली ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रीजन बीइंग आज हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई फैसला ले ले, मे बी 15 डेज का जो लॉकडाउन है वो इम्पोज हो सकता है। अभी होगा कि नहीं होगा इसके बारे में तो नहीं पता, बट ICMR ने भी यही सेम चीज कही है कि अगर इस चेन को हम ब्रेक करना चाहते हैं तो चेन को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि 15 डेज का लॉकडाउन हो। लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है। सिंपल सी बात है कि आपकी हेल्थ सर्विसेज हैं, आपकी बाकी सर्विसेज हैं, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आज देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा डिस्कशन होता है या नहीं होता है, या कोई डिसीजन आता है कि नहीं आता है। बट फिलहाल यहाँ पे ICMR के हिसाब से ये बात बोली गई है। सो बी अपडेटेड, स्टे एट होम एंड बी सेफ।